हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो अजीब दास्तां स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जब बख्शी की मम्मी बोलते हैं कि इसके लिए तुम्हें श्रुति को घर लाना पड़ेगा, ये सुनते ही तो अक्ष के तन बदन में आग लग जाती है, त्योरियाँ चढ़ने लगती हैं, मतलब गुस्सा आने लगता है और अपनी मम्मी को बड़े ध्यान से एकटक देखती और कहती है, आपका दिमाग खराब हो गया है। मैं इस घर में रहने को तैयार नहीं थी, ये तो सना के कहने पे, सना के मनाने पे मैं यहाँ रुक गई हूँ, और अब आप मुझसे चाहती हो कि मैं उसको मनाऊँ और उसको इस घर में लेके आऊँ। नहीं, तुम्हें मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसे, वो हम खुद देख लेंगे। क्या देख लेंगे आप? हाँ नहीं, क्या देख क्या लेंगे, मतलब कि मैं कोई मतलब नहीं समझना चाहती, ठीक है, मुझे ना कोई मतलब समझना है, ये हो ही नहीं सकता जो आप कह रही हैं, वो कभी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम क्या है? मैं उसे देखना नहीं चाहती, जिस इंसान को मैं देखना नहीं चाहती हूँ उसे अपनी ज़िंदगी में कैसे लेके आऊँ? नहीं हो सकता अम्मा, ये आप इसके बदले मुझसे कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको वो दे दूँगी, लेकिन ये नहीं दे सकती, सॉरी। क्या दिक्कत है तुम्हें? मुझे क्या दिक्कत नहीं है, मुझसे वो पूछिए, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। लेकिन क्यों मम्मा? वो नहीं आएगी, ठीक है, नहीं आएगी तो फिर बर्थडे कैंसिल कर देते हैं, और क्या कर सकते हैं। आप बर्थडे मनाओ ना, मैंने कहा है आपको कि आप बर्थडे कैंसिल करो, धूमधाम से मनाओ, जैसे मनाना चाहते हो वैसे मनाओ। मैंने मना किया? नहीं किया, मना ही कर रही हो एक तरीके से, मना नहीं कर रही मैं आपको बस ये कह रही हूँ, जिस तरीके से आप चाहती हो वो नहीं हो सकता, उसके लिए उसको बुलाने की क्या ज़रूरत है? मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है, वो आके क्या करेगी, बिना उसके कैसे बर्थडे बनेगा? क्यों, हर साल मनता नहीं था? मनता था ना, ऐसे इस साल बनेगा? चार रिश्तेदार आएंगे, पूछेंगे श्रुति कहाँ है, क्या जवाब दूंगी मैं उन्हें, कि श्रुति और अक्षय अलग हो गए, बेइज्जती करवाऊँ अपनी? इसमें बेइज्जती क्या है? इसमें बेइज्जती ये है कि सबसे लड़के मैंने तुम दोनों की शादी कराई थी, कोई साथ देने को तैयार नहीं था, सबको ऑब्जेक्शन था इस बात से। हाँ, जो तुम पूछ रही हो ना कि इसमें बेइज्जती क्या है, इसमें ये बेइज्जती है, मामा ठीक है फिर मत सेलिब्रेट कीजिए, यही कह सकते हो, लेकिन मैं श्रुति को तो इस घर में नहीं ला सकती, अगर श्रुति इस घर में आएगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, बस अभी फ़िलहाल के लिए मैं यही कह सकती हूँ। आगे आप समझदार हैं, इससे ज़्यादा मैं
कुछ नहीं कहना चाहूंगी। क्यों कर रही हो ये सब? मैं कर रही हूँ सच में? मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती क्यों करते हैं हर बार, हर बार एक जबरदस्ती। सना तुम ही समझाओ ना मॉम को, मैं उस लड़की को देखना ही नहीं चाहती। सना कहती है मत देखो, नहीं बुलाया जाएगा उसे, फिर बर्थडे भी नहीं मनाया जाएगा। ठीक है मत बनाओ बर्थडे, ठीक है नहीं मनाएंगे। श्रुति को भी तो एहसास होने दो ना आंटी, कि उसके बिना अक्ष कितनी अधूरी है। जब तक उसे एहसास नहीं होगा तब तक मज़ा कहाँ आएगा? क्या बकवास है ये, बकवास क्या है इसमें? सच्ची तो कह रही हूँ, जब उसे एहसास होगा तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तुम उसकी वजह से सबको नाराज कर दोगी, है ना? सबको। तो उसे तो पता चलना चाहिए ना। तुम उसके लिए कह रही हो कि किसी को नहीं बुलाओगी, किसी को भी नहीं? तुम खुद को सुन रही हो तुम क्या कह रही हो? हाँ सुन रही हो, समझ रही हो और जान भी रही हो। ठीक है जब तुम सुन के समझ के सब कुछ कर रही हो तो फिर कोई बात ही नहीं है आगे। कोई बात नहीं आंटी, कैंसिल कीजिए। और वो आपने अक्ष की बड़ी चाची को बता दिया था ना, शायद की पट्टे बनाने वाले हो, टिकट्स वगैरह करा लेना, उन्हें मना कर दीजिएगा। तो कहती हैं, और जब वो ये पूछेंगे कि क्यों मना कर रही हो तब कह दीजिएगा अक्ष को नहीं बर्थडे मनाना है, श्रुति उसे छोड़ के चली गई है। चार बातें तो मिलेंगी आपको, सुन लीजिएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अक्ष कहती है जो तुम करना चाह रही हो मुझे समझ में आ रहा है सना, मत करो ये। कहती है मैं क्या करना चाहती हूँ? तुम कमज़ोर हो, तुम दिखा रही हो, मैं कुछ नहीं करना चाहती। तुम वीक हो। मैं वीक नहीं हूँ। वीक हो तुम, मैं वीक नहीं हूँ। अगर तुम वीक नहीं होती ना तो यहाँ श्रुति के आने से रहने से तुम पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें फ़र्क पड़ता है उसके होने और ना होने से। ये जो झूठ का तुम दिखावा करती रहती हो ना, ये यहाँ सबको समझ में आता है। यहाँ कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, यहाँ हर चीज़ हर किसी को समझ में आती है, समझी? तो आंटी मना कर दीजिए फ़ोन करके, इसे फ़र्क पड़ता है और बहुत पड़ता है। ये यहाँ मैं भी देख रही हूँ और आप भी देख रही हैं, तो बेवजह इसका मूड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई बर्थडे नहीं मनेगा। और अक्ष तुम ये जो झूठी शैंस है दिखा रहे हो ना कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता उसके होने ना होने से, ये बंद कर दो, क्योंकि तुम्हें बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है सना, अगर नहीं पड़ता है फ़र्क, मनाओ बर्थडे, बुलाओ उसे यहाँ, रखो उसे अपने साथ और करो सबके सामने प्रिटेंड कि तुम एक हैप्पी फैमिली हो। और उसके बावजूद अगर
तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स डेवलप ना हो, तब मैं मानूंगी कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, तब मैं समझूंगी इस बात को। नहीं तो उससे पहले तो तुम कुछ भी कहती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे कहने वाले बहुत देखे हैं मैंने, एक तुम्हें भी देख लेंगे। बस ये उम्मीद नहीं थी कि तुम झूठ भी बोलती हो। अरे जिस बात का फ़र्क पड़ता है तो सीना तान के कहो कि हाँ पड़ता है, उसके होने ना होने से तुम्हें फ़र्क पड़ता है। इस तरह बातें तो ना बनाओ कम से कम। अक्ष कहती है ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो करो प्रूफ, कर सकती हो तो करके दिखाओ। मैं मान लूँगी कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, रहो उसके साथ। तो अक्ष काफ़ी देर तक सोचते रहती है, कहती है कि ठीक है बुलाओ बुलाओ उसे और रखो यहाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा ना तो यकीन मानो मैं ना, मुझसे ज़्यादा और कोई खुश नहीं होगा, कोई भी नहीं। तो अक्ष उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं और कहते हैं क्या मतलब? कहते हैं कुछ नहीं, बस जितना कह रही हूँ उतना समझो। प्रूफ करो अपने आप को। कहती है ठीक है बुला लो उसे, बुला लेंगे, इतनी जल्दी क्या है? वैसे भी अब आएगी तो रह के जाएगी, जब तक सब लोग रहेंगे तब तक तो एटलीस्ट वो भी रहेगी। अक्ष की हामी भरवा के सना और उसकी मॉम नीचे आ जाती हैं। श्रुति को फ़ोन कर दिया जाता है और बाकी के रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया जाता है कि अक्ष का बर्थडे मनाएंगे और धूमधाम से मनाएंगे, तो सबको आना है, सबको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। सब अपनी तैयारियां करने लगते हैं और हर्ष जाके श्रुति को लेके आता है। श्रुति बकायदा नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होके एक बार फिर से अपने ससुराल में कदम रखती है। उसकी मम्मी उसका वेलकम करती हैं। अक्ष बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हैं। जैसे ही श्रुति अंदर आती है अक्ष की नगाहें श्रुति पे पड़ती हैं। श्रुति मुस्कुराती है और अक्ष के पास आती है, कहती है अक्ष आई एम सॉरी एंड थैंक यू मुझे इस घर में वापस लेने के लिए। अक्ष कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारे लिए इस घर में नहीं बुलाया है, मम्मी और सना के कहने पे बुलाया है, तो जितना हो सके मुझसे डिस्टेंस बना के रखना, ज़्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करना मुझसे, नहीं तो तुम्हें ही चोट पहुँचेगी, मुझे नहीं। चॉइस इज योर्स, दिल तुड़वाना है या शांति से रहना है, तुम्हारे हाथ में है।
ये बोल के अक्ष जो है रूम में चले जाते हैं ऊपर अपने। श्रुति की आंखें भर जाती हैं अक्ष की बात सुन के। वो लम्हा उसे याद आने लगता है जब श्रुति के लिए पल पल अक्ष तड़पा करते थे, उसके लिए बेताब हुआ करते थे। उसकी एक झलक देखने को पता नहीं कैसे क्या कर जाते थे। श्रुति की सासू माँ आगे आती हैं, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं तो श्रुति अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आती है। कहती हैं कि टेंशन मत लो, सब सही हो जाएगा। अपने आंखों से आंसू को पोंछती और कहती है मम्मा सब सही होगा, सब पक्का सही होगा और सही होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अक्ष के बिना नहीं रह सकती, ये तो कन्फर्म है। तो उन्हें तो हर हाल में मुझे मनाना ही है, क्योंकि वो नहीं माने तो मेरी तो ज़िंदगी बेअर्थ हो जाएगी, मेरे ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा। ये कह के श्रुति अपना सामान लेके रूम में जाती है। अक्ष चुपचाप बेड पे लेटे हुए होते हैं। श्रुति रूम में जाके डोर लॉक करती है, सामान उठा के सारा सेट करती है कबर्ड में। थोड़ा टाइम लग जाता है और अक्ष अपना लैपटॉप में चुपचाप काम कर रहे होते हैं और बस हल्की हल्की नज़रें उठा के श्रुति को देख लिया करते हैं। श्रुति को एहसास हो रहा होता है कि अक्ष उसी की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। जाती है, फ्रेश होके आती है और नीचे चली जाती है। उस दिन उन लोगों की कोई बात नहीं होती। एक दो दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं जिसमें ना श्रुति ज़्यादा कुछ करती है ना अक्ष ज़्यादा भाव देता है। अक्ष तो ना के बराबर ही भाव देता है। एक रूम में अक्ष सोफे पर सोया करते थे और श्रुति बेड पे। एक दिन की बात होती है कि अक्ष जो है बाहर से आते हैं रात में लेट, तो श्रुति उनका इंतज़ार कर रही होती है। जब वो आते हैं तो श्रुति कहती है खाना लगा दूँ, तो कहते हैं नहीं खा के आया हूँ, नहीं खाना। तो कहती है कहाँ से खा के आए हैं, अब ये भी तुम्हें बताऊँ कहाँ से खा के आई हूँ, क्या करके आई हूँ, जहाँ से भी खा के आई हूँ खाना खा के आई हूँ, बस इतना जान लो, इतना बहुत है तुम्हारे लिए, ज़्यादा सर पे चढ़ने की ज़रूरत नहीं है मेरे, कह के वो ऊपर रूम में चले जाते हैं। श्रुति अपना किचन से मिटती ऊपर रूम में जाती है तो देखती है कि अक्ष बेड पे लेटे हुए होते हैं, तो वो भी आके बेड पे बैठती है। तो अक्ष कहते हैं हेलो खड़ी हो, कहती क्यों कहाँ ना खड़ी हो, अरे लेकिन क्यों कुछ बात होगी, हाँ बात है इसीलिए कह रहा हूँ खड़ी हो। कहती एक तो ये आप भूल कैसे रहे हैं, कह रहा हूँ ऐसे तो नहीं बोलते आप, क्यों मुझे ऐसे ही बोलना है, तुम्हें कोई दिक्कत है, जब मैं कहती थी तब तो नहीं बोलते थे, अब बोलना है, जब तुम कहती थी तब नहीं बोलना था, मेरा तो वैसे भी किसी और से अफेयर था, मैं किसी और की बातें माना करती थी, तो तुम्हारी बातें क्यों मानूंगी, सोचने वाली बात है, ओहो सो स्टूपिड, कुछ तो अकल लगा लिया करो, भगवान ने दिमाग को इंसान के शरीर में सबसे ऊपर इसीलिए रखा है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। खड़ी हो बेड पर से, श्रुति खड़ी होती है, कहते हैं वहाँ सोफे पे जाके सो, ठीक
क्या? मैं सोफे पे? हाँ तो तुम सोफे पे, नहीं तो क्या? मैं सोफे पे? मैं नहीं सोने वाली आज सोफे पे, मेरे होता है कमर में दर्द। लेकिन आप भी तो हमेशा से पागल थी ना, मैं तुम्हें आराम देना चाहती थी इसलिए जाके सोफे पे सो जाती थी। बेवकूफ़ थी मैं, डफर जैसे कहते हैं, और अब वो डफर बनती नहीं करनी मुझे। जाके सोफे पे सो, मुझे बेड पे सोना है। अक्स लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, मैंने अपना बिस्तर नहीं देना तुमको, जाओ यहाँ से हटो। श्रुति कहती है मैं नहीं हटूँगी, मैं यहीं सोऊँगी बेड पे। कहती है ऐसे कैसे बेड पे सोओगी तुम, चुपचाप जाओ और वहाँ सो, यहाँ नहीं सोने दूँगी मैं किसी हालत में। श्रुति नहीं उठती है, अब फिर गुस्सा आ रहा होता है, कहती है उठ रही हो कि नहीं उठ रही? नहीं उठूँगी मैं यहाँ से, नहीं उठूँगी मैं, यहीं सोऊँगी। जब मैं यहीं सोती थी तो मैं यहीं सोऊँगी, ये क्या नया नाटक हो गया है आपका? बोल चाल में जो है बदलाव है, और अब इसमें भी बदलाव, कुछ तो तरस खाइए। बीवी हो आपकी? अच्छा बीवी हो मेरी, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा है ये बीवी वाले कार्ड ना बहुत खेल लिए, बोल दिया ना जाके सोफे पे सो, सोना है तो, नहीं तो ज़मीन पे बिस्तर बिछाओ और खूब आराम से फैल के सो। उठो अब यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। कहती है अगर आपको यहाँ सोना है तो सो जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ से नहीं उठने वाली। अजीब जिद है यार तुम्हारी। हाँ है, जब आप जिद कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ। नहीं उठूँगी, नहीं उठूँगी। तो अक्ष बेड पर से उठते हैं और श्रुति चुपचाप लेट जाती है कि चलो वे नीचे गए। अक्ष घूम के श्रुति की तरफ आते हैं और उसे गोद में उठाते हैं। श्रुति कहती है क्या कर रही हो आप, नीचे उतारो मुझे। कहते तुम ऐसे नहीं तो ऐसे तो जाओगी। उसे गोद में उठाते हैं और सोफे की तरफ लेके जाते हैं। श्रुति अपने हाथ पैर पटक रही होती है, सोफा थोड़ा कमरे में दूर रखा रहता है, कमरा बड़ा होता है तो वहाँ लेके जा रहे होते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।